बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट हूँ मुस्लिम शामी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास सिविक 8 जनरेशन है और उसका जो है वो ऊपर वाला जो क्लस्टर होता है, इसमें स्पीडोमीटर होता है और जिसके अंदर जो है वो आपके पेट्रोल का और कूलेंट का गेज आ रहा होता है, अगर वो एक्सीडेंशली आपके पास ख़राब हो जाता है, सडनली एकदम से वर्किंग करना छोड़ देता है, या उसके अंदर कोई ऐसा हो जाता है कि कभी आ रहा है कभी जा रहा है या वीक डिस्प्ले आ रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मेरे साथ ये सीन हुआ तो मैंने कहा चले मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो ट्यूटोरियल में, ताकि आप लोगों को भी सीखने को मिले। इंतहाई आसान है, क्योंकि दूसरा जो रिप्लेसमेंट में मीटर मिलता है वो कम से कम कॉस्ट करता है 10,000 रुपये की, और मैंने जो प्रोसेस अडॉप्ट किया है वो मुझे फ्री पड़ गया, लेकिन मैंने किया खुद अपने हाथ से है, तो आप लोग भी अपने हाथ से करके इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम तर वीडियोस को आखिर तक देखा कीजिए, ताकि आपको सोल्यूशन सीखने में आसानी हो। दोस्तों के साथ शेयर किया कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताया कीजिए कि हमारा एक चैनल है जिसके ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स बेचते भी हैं, कुछ डिवाइसेस प्रोग्रामिंग की, और उसके अलावा हम आपको टिप्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं। जी दोस्तों, तो अगर आपके पास भी होंडा सिविक रिवॉन है और आपके पास भी इस तरह का इश्यू क्रिएट हो रहा है कि आपका जो ऊपर का क्लस्टर होता है गाड़ी का मीटर वाला, तो उसके अंदर अगर जिसमें स्पीडोमीटर कूलेंट और टेम्परेचर का गेज लगा होता है, अगर वो इस तरह से डिस्प्ले उसका आ रहा जा रहा है, या अगर उसका डिस्प्ले जो है वो एकदम से बंद हो जाता है और वीक डिस्प्ले आता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी इसके अंदर। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम तमाम जो फ्रंट का डैशबोर्ड होता है जो क्लिप्स के साथ अटैच होता है उसको खोल लेंगे, उसके बाद फिर जो ऊपर वाला मीटर, ये खोलना थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन इसको भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इसमें 3 स्क्रू सबसे पहले आपने खोलने हैं, ठीक है। इसको खोलने के बाद ये जो इसका लेदर का ऊपर कवर लगा होता है, इसको आपने क्लिप्स लगे हुए इसमें, इसको आपने ऊपर की तरफ खींचना है। जब आप इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये अपने क्लिप्स में से बाहर निकल आएगा। अब मेरे मीटर में ये मसला पेश आ रहा है कि कभी ये बिल्कुल सही हो जाता है, कभी ये ग्रिप इसका जो है वो शायद मसला कर रहा है, या कोई इशू है, रेजिस्टेंस वगैरह कोई वीक है, तो चेक करना पड़ेगा। देखिए, अभी इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, और इससे पहले कैसा वीक सा डिस्प्ले आ रहा था इसका। सबसे पहले हमने इसका ये बाहर निकाल लिया। इसको बाहर निकालने के बाद अब हमने करना यह है कि हमने जो है वो सामने हमारे मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर हमारे सामने आ गया है, इसमें 3 स्क्रू लगे हुए हैं, वो 3 स्क्रू हमने खोलने हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इसको हम खोल लेंगे, देखें अभी हम इसको खोलते हैं। खोलने के बाद हमने जो है वो इस मीटर को बाहर निकालना है, ठीक है। ये मीटर हमारा बाहर आ गया है। अब इसके पीछे एक अदद ग्रिप लगी हुई है, वो ग्रिप हम निकालेंगे, और वो ग्रिप निकाल के जो है वो हम इस मीटर को गाड़ी से अलग कर लेंगे, ठीक है। इस मीटर को गाड़ी से अलग करने के बाद जो प्रोसीजर हमने किया है वो हम प्रोसीजर आपको दिखाएंगे अपनी लैब के ऊपर ले आके। तो चलें, इसके बाद फिर हम अपनी लैब की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया। तो दोस्तों, ये अब हम अपनी लैब में आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने इस मीटर को रखा हुआ है काउंटर पे, और अब हम जो है वो इसको खोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके ऊपर एक क्रिस्टल ग्लास लगा होता है, 6 क्लिप्स होते हैं, उनको आपने खोलना है हाथ की मदद से। चाहें तो इस ग्लास को बफ करवा लें, इसको बफ कराने के बाद आपको जो है वो एक अच्छा सा चमकदार सा डिस्प्ले नज़र आएगा अपनी गाड़ी में, तो इसको बफ़ करवा लीजिए। मुश्किल से 50 रुपये लगते हैं बफ़ करवाने में, तो आप इसको बफ़ करवा लें। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हमें एक प्लास्टिक का कवर नज़र आ रहा है, इसके नीचे भी 6 किस्म के क्लिप्स लगे हुए हैं, ठीक है। उन क्लिप्स को आपने जस्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचना है, और खींच के उनको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। मेरे एक हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो इसलिए थोड़ा सा ट्रबल हो रही है, आपके पास तो खैर आराम से खोल लेंगे इसको। तो ये देखें आप, ये जो है हमने इसको खोल लिया है, इसके 6 क्लिप्स जो हैं उनको थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि वो अपने क्लिप्स में बाहर निकल जाएँ, ठीक है। अब ये बाहर निकल आए हैं अपने क्लिप्स में से, अब इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, प्लास्टिक के कवर से भी हमने जान छुड़ा ली, ठीक है। अब नीचे हमारे एक और वाइट कलर का कवर है जो कि इसका बेस कवर है, उसको भी हमने जो है वो बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब हमने जो है वो इसको भी बाहर निकाल लिया, इसमें कोई क्लिप नहीं होता, ये बेस कवर है, इसमें सब चीज़ें रखी हुई होती हैं, उसके बाद क्लिप्स लगते हैं। अब हमारे पास आ गया है इसका सर्किट।
सर्किट है, सर्किट में कुछ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, चिप्स लगी हुई हैं, चिप्स ऑलरेडी जो है वो कंपनी ने जो फ्लेक्स लगाया था वो अभी तक उनके ऊपर लगा हुआ है ताकि मॉइस्चर से या धूप से डैमेज ना हो। और चिप्स हैं इसमें, ट्रांजिस्टर्स हैं, रेजिस्टेंस हैं, डायोड्स हैं, और ये ग्रिप भी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। इसके ऊपर एक शीट सी लगी हुई होती है टिंटेड, उस शीट को पहले हम हटा लेंगे। इसके नीचे एक स्टिकी टाइप का भी होता है ताकि वो वापस अपनी जगह पर चिपक जाए। उसके बाद आप देखेंगे नीचे तीन अदद LCDs लगी हुई हैं, ठीक है। इन LCDs को हमने कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये LCDs ऐसी ही रहेंगी क्योंकि हमारा डिस्प्ले कभी ठीक आ रहा था, कभी गलत आ रहा था। अगर वो कटा हुआ आ रहा होता तो हम LCDs की तरफ फोकस करते, लेकिन वो कटा हुआ नहीं आता इसलिए हम उस तरफ फोकस नहीं करेंगे। तो दोस्तों डायग्नोज हमें ये करना है कि हमें मल्टीमीटर लेना है और उसको सेट करना है ओम्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि वो बजर आप लगा लिए गए चलें उसका, उसको लगाने के बाद आप सबसे पहले तो देख लें। वैसे ट्रांजिस्टर्स का फॉल्ट इसमें नहीं होगा लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वोल्टेज जो है वो इसमें आ रहा है इसलिए ट्रांजिस्टर का फॉल्ट नहीं होगा इसमें, और डायोड का भी फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि उसका भी ताल्लुक जो है वो पावर से ही है। हमारे पास वीक डिस्प्ले आ रहा था और डिस्प्ले आ रहा जा रहा था, तो मुझे शक ये है कि हो सकता है कि ये इसके कोई रेजिस्टेंस वीक होंगे, या फिर इसके कोई रेजिस्टेंस डीवैल्यू हो चुके होंगे, या फिर हो सकता है कि इसका जो जैक है उसमें कोई लूजिंग आ गई हो। धूप में खड़ी होती हैं गाड़ियाँ और मॉइस्चर वगैरह भी लगता है, तो इसलिए जो है वो मुमकिन है कि इसके अंदर जो है वो कोई लूजिंग इशू हो गया हो, या फिर इसमें कोई ड्राई सोल्ड हो गया हो, या फिर हो सकता है इसके अंदर जो है वो कोई रेजिस्टेंस डीवैल्यू हो गया हो। तो अभी हम जो मीटर से डायग्नोज कर रहे हैं तो हमें इसमें कोई रेजिस्टेंस डीवैल्यू नहीं मिला है, तो हमारा जो 90% शक जा रहा है वो जा रहा है हमारे लूज़ कनेक्शंस के ऊपर। तो हम इसको जो है वो ट्राई करेंगे कि हम इसको सोल्ड करेंगे दोबारा से, और सोल्डिंग आयरन हम यूज़ करेंगे 60 वाट्स की, क्योंकि 40 वाट्स की आयरन इसके ऊपर सही काम नहीं करेगी। 40 वाट जो है वो रिकमेंडेड होती है मोबाइल फ़ोन्स के लिए, और ये जो है गाड़ी है इस पर ऑलरेडी धूप होती है और काफ़ी हार्ड इसका सोल्डर होता है, तो इसलिए 60 वाट्स जो है वो रिकमेंडेड है। और सोल्डिंग वायर ऐसा यूज़ करें जिसमें ऑलरेडी पहले से फ्लक्स लगा हुआ होता है ताकि आपको जो है वो एक्स्ट्रा फ्लक्स यूज़ ना करना पड़े अपने हिसाब में, क्योंकि फ्लक्स जो है वो आपको पता थोड़ा सा नुकसानदेह भी होता है इंसान के लिए। तो इसलिए जो है वो कोशिश करें कि ऐसी वायर लें जो ऑलरेडी थोड़ी फ्लक्स लगा हुआ होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अब हमने जो है वो इसका जैक सोल्ड करना शुरू कर दिया है, जैक सोल्ड हो रहा है आप देख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा जैक सोल्ड करेंगे इसका हम, और जो जो चीज़ हमें नज़र आएगी जैसे कि रेजिस्टेंस हो गए या डायोड्स हो गए, इन सब चीज़ों को हमने करना है रीसोल्ड, ताकि अगर कोई सोल्डर ड्राई हो चुका है जो हमें नज़र नहीं आ रहा तो वो सोल्ड हो जाए। इसके बाद एक क्लोथ लेके आप इसकी जो LCDs हैं उनको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद फिर वही जो इसकी टिंटेड एक शीट थी उसको वापस लगा लें। देखें इसके नीचे स्टिकी होता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको वापस अपनी जगह पर लगेगा। नीचे दो क्लिप्स होते हैं, क्लिप्स में बैठेगा तो इसलिए जो है वो डिस्प्ले में आगे पीछे होने का भी कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने इसको यहाँ पे इसके ऊपर वापस से लगा दिया, थोड़ा सा इसको प्रेस कर दिएगा ताकि ये चिपक जाए। स्टिकनेस तो इसके नीचे होगी तो ये चिपक जाएगा, ठीक है। जब ये चिपक जाएगा तो आप एक क्लोथ लेके इसको ऊपर से भी साफ कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम जा रहे हैं मज़ीद इसको आगे असम्बल मज़ीद और करने के लिए। तो इतना सिंपल प्रोसेस था, और दोस्तों आपको पता है कि इसकी जो बर्थ है मीटर की, यूज़ के अंदर भी 10,000 रुपये का मीटर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको जो है वो बैक वाले कवर के अंदर इसको रख लिया। इसको रखने के बाद अब हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, ये इसमें कोई क्लिप्स नहीं होते, इसमें सिर्फ ये जस्ट आके बैठ जाएगा खुद ही। इसके बाद फिर आप इसको थोड़ा सा साफ़ कर लें ताकि कोई फिंगरप्रिंट्स या कोई स्टेन वगैरह इसके ऊपर अगर हैं तो वो जो है वो ख़त्म हो जाए इसके अंदर से, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम थोड़ा साफ़ कर लेंगे इसको, क्लोथ लेके इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे ताकि अगर कोई भी स्टेन इसके ऊपर है तो वो बाद में गाड़ी में लगने के बाद फिर वो एक बुरा सा लगता है, तो इसलिए पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, अब बारी आ गई हमारे प्लास्टिक वाले कवर की, जिसके अंदर 6 क्लिप्स थे। तो अब इसको ऐसे प्रेस करेंगे आहिस्तगी से, कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से बैठ जाएगा। इसको लगा के आपने थोड़ा सा नीचे जैसी प्रेस करेंगे तो टिक टिक करके आपको आवाज़ आएगी और ये अपने ओरिजिनल प्लेस के ऊपर जाके फिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखें, ये जैसे बैठना शुरू हो गया, बिल्कुल सुकून से करें, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपकी अपनी चीज़ है तो आप इसको बहुत एहतियात से करें। देखें ये बैठ गया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, टिक टिक करके अपनी जगह में आके बैठ गया, ठीक है। अब बारी आ जाती है हमारे क्रिस्टल ग्लास की। तो जो क्रिस्टल ग्लास हमारा है उसको बफ़ करा लीजिए पहले से ताकि वो थोड़ा और शाइन हो जाए, और शाइन होने के बाद आपको एक बिल्कुल न्यू ब्रांड डिस्प्ले वाला लुक आने लगे। इसके अंदर भी कुछ क्लिप्स लगे होते हैं, इसके क्लिप्स का खास ख्याल रखें क्योंकि ये एक महंगा शीशा है जो मिलता भी नहीं है,
बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसके क्लिप्स ना टूटें, इसका बहुत ख़ास ख्याल रखें, और उसके अलावा जो है वो सही तरीके से इसको बिठाएं, ज़ोर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आराम से बिल्कुल ये बैठेगा। ठीक है, तो अब हम इसको लगाने लगे हैं। देखें अभी ये सही तरीके से लगा नहीं था, क्लिप्स कितने नाजुक हैं कि बाहर आ गए। ठीक है, अब हम इसको वापस से बिठाएंगे ताकि ये अपनी जगह पे प्रॉपरली बैठ जाए। ठीक है, तो अब ये वापस से हम बिठाने की ट्राई कर रहे हैं, इसको सुकून से बैठेगा बिल्कुल ये। अब ये देखें दोस्तों, इसको हमने वापस से अपनी जगह पे बिठा दिया है। तमाम तर क्लिप्स जो हैं वो अपनी ही जगह में आके बैठ गए हैं अंदर। ठीक है दोस्तों, ये हमने अपनी जगह में इसको बिठा दिया। अब हमने इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे और ये जाके टक टक करके अपनी जगह में आके बैठ गया। ठीक है, अब हमारा मीटर रेडी हो गया। अब हम इसको गाड़ी में फिट करने लगे। सबसे पहले वही ग्रिप लगा देंगे हम जो हमने निकाली थी। ठीक है, इस ग्रिप को लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें वही करना है कि हमें पहले सबसे पहले इसके 3 स्क्रूज जो होते हैं वो लगा देने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से और प्रॉपर फिट करने, क्योंकि अगर आपने इसमें लूजिंग छोड़ी तो फिर आपको गाड़ी चलाते हुए कोई आवाज़ आ सकती है, कोई हल्की फुल्की आवाज़ भी होती है तो वो बड़ी अजीब सी फील होती है। तो इसलिए जो है वो कोशिश करेंगे तमाम तर स्क्रूज़ जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से फिट कर लें। ठीक है, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को एंड तक देखा करें, और वीडियोस को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। ठीक है, आप लोग जाहिर सी बात है कि लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसमें हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलती है। और उसके अलावा ये भी है कि अगर आप हमसे जो है वो डिवाइसेस परचेस करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से या डिजिटल गेज बनाने के हवाले से गाड़ी के अंदर, तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना मोबाइल नंबर लिख के भेज दीजिए तो हम आपको खुद ही कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आपको डिवाइस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और डिवाइस देते वक्त हम आपको बेसिक चीज़ें भी सिखा देंगे थोड़ी बहुत, ताकि आपको चलाने में प्रॉब्लम पेश ना आए। तो अभी हमने इसके 3 स्क्रूज़ लगा लिए हैं, और 3 स्क्रूज़ लगाने के बाद अब हम इसको जो है कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो इसका लेदर है वो हमने फ़िट करना है। लेदर फ़िट करने में भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेदर फ़िट करने में आपको जो है वो क्लिप्स का ख्याल रखना है कि जिस जगह से आपने क्लिप्स निकाले थे उसी जगह पे क्लिप्स वापस से फिट हो जाएं, और जो कैप्स होते हैं जो झिरी वगैरह होती है वो नज़र ना आए, क्योंकि जिस तरह से आपने मोपस से इसको खोला था इतने ही आराम से इसको वापस फिट करेंगे तो आपको मतलब ऐसा फील होना चाहिए जैसे खुला ही नहीं है कभी। ठीक है, तो अब आप इसको जो है वो देखें, अगर कोई एक्स्ट्रा नट वगैरह गाड़ी में आपको लग रहा है कि कम है तो उसको भी लगा लें ताकि जो है वो कोई आवाज़ वगैरह फील ना हो गाड़ी चलते हुए। तो अब टाइम आ गया है कि हमने इसका लेदर फिट करना है डैशबोर्ड के ऊपर का, तो अब हम उसको फिट करेंगे। सही है दोस्तों, तो मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त डिस्प्ले आने वाला है गाड़ी का। बाकी ये आप लोग भी अपनी गाड़ी में अगर कोई ट्रबल है इस तरह की तो आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए कितना यूज़फुल साबित हुआ ये। तो अभी हम चलते हैं और इसका फाइनल स्टेप की तरफ हम चलते हैं, फिर आपको डिस्प्ले भी दिखाएंगे इसका। ठीक है, अब हमने इसका लेदर भी फिट कर लिया है। लेदर को फिट करने के लिए पहले क्लिप्स पे रखें, उसके बाद फिर इसको जो है अपना मुक्का बना के आप इसको जो है वो थोड़ा सा फोर्स करें ताकि वो अपने उसमें जाके बैठ जाए और कोई भी गैप नज़र ना आए। ठीक है, फिक्र नहीं करें, मुक्का वहाँ बनाने से आपको जो है वो टूटेगा नहीं, आप इसको लगा लें। ठीक है, लगाने के बाद आप इसको जो है वो फिट कर लें, और फिट करने के बाद तो फाइनल लुक की तरफ आ रहे हैं। सामने की चीज़ें जो क्लिप्स से लगती हैं आपको पता है, तो वो सब मैंने फ़िट कर ली हैं, फ़िट करके मैंने आपको दिखा दी हैं। अब मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखाने वाला हूँ। ठीक है, फाइनली हमने क्या किया, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसका मीटर ऑन किया गाड़ी का और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही ऑन हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि हम आपको इसको डिम और हाई भी करके दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है, कोई इशू नहीं है किसी किस्म का, कोई लूजिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। तो दोस्तों इतना सिंपल स्टेप था, तो इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करके आप जो हैं अब हम इसको लाइट करेंगे, फिर हम इसको वापस से डार्क करेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको लाइट और डार्क किया। देखें ये हम इसको लाइट कर रहे हैं, बंद कर दिया, अब हम इसको ऑन करेंगे और फुल डिस्प्ले पे लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।